सोलापूर वासियांना दिवाळी सणाच्या सरगम कलेक्शन परिवारातर्फे हार्दिक शुभेच्छा. सरगम कलेक्शन मध्ये फक्त 180 रुपयात ब्रँडेड कंपनीचे शर्ट उपलब्ध आहे. एकदा या आणि अवश्य भेट द्या. आमचा पत्ता जगदंबा चौक सोलापूर. हमारे गली के मेंबर राजू इंडिपेड साहब उन्होंने भी बहुत हमारे को मदद कर रहे हैं. मोइन नदाब इन्होंने ताबड़तोड़ फिर फोन लगाकर रियाज शेठ को बुला लिए. तो हमारा जो भी काम था ना रियाज शेठ बहुत बेहतरीन काम करे. पूरा घर संभालता था वो, हर चीज़ करता था. मेरे ससुरे का एक हाथ पैर लिख मारे रहा है, उनको कुछ काम करने नहीं आता. कुर्बान हुसैन नगर के गौस नदाफ को मिला इंसाफ. रियाज भाई हुंडेकरी ने कर दिखाया. तर मंडळी, याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की काही दिवसापूर्वी नई जिंदगी परिसरात एक अपघाताची घटना घडली होती. त्याचं झालं असं होतं की नई जिंदगी परिसरातील अमन चौक ते मदीना चौक दरम्यान एका बलकर वाहनाने गौस नदाफ यास जोरात धडक देत त्यावरून बलकर वाहन गेल्याने गौस नदाफ हा रक्तबंबाळ झाला होता. नागरिकांच्या मदतीने गौस नदाफ यास उपचारासाठी सोलापुरातील शासकीय रुग्णालय अर्थात सिव्हिल हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले होते. परंतु उपचार दरम्यान गौस नदाफ याचा मृत्यू झाला होता. गौस नदाफ हा पेंटरचा काम करत होता. तो मूळ सोलापुरातील कुर्बान हुसैन नगर येथील रहिवाशी होता. 8 महिन्यापूर्वीच गौस नदाफ याचे लग्न देखील झाले होते. घरातील एकुलता एक मुलगा व घरची परिस्थिती हालाक्याची अशी एकंदरीत कहाणी गौस नदाफ याची होती. दरम्यान अपघात घडल्यानंतर नई जिंदगी परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते नगरसेवकांनी या संदर्भात प्रयत्न केले व त्या पाठोपाठच कुर्बान हुसैन नगर परिसरातील काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक रियाज हुंडेकरी यांनी देखील या संदर्भात आपले अर्थक असे प्रयत्न सुरू ठेवले होते. अखेर रियाज भाई हुंडेकरी यांच्या प्रयत्नाला यश आले व सदर गौस नदाफ याच्या कुटुंबाला एक मोठी आर्थिक मदत मिळवून दिली. त्यामुळे गौस नदाफ यांच्या कुटुंबियांनी नगरसेवक रियाज भाई हुंडेकरी यांचे आभार व्यक्त केले. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं कुर्बान हुसैन नगर में रहता. कुछ दिन पहले मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया नई जिंदगी चौक में. उसमें मैं बच्चा ही करता रहता था. पूरा घर के बाहर ब्लैक चलता था और सबको संभालने वाला घर बार संभालने वाला होस्ट था. मेरे बच्चे का बहुत हमारे को अफसोस है और बहुत से लोग मदद करे. मैं बोलता सहायता कुछ भी दवाखाने का लेके गए. सिविल मेरे को पता नहीं था एक्सीडेंट हो तो सिविल में लेके गए. लेके जाने के बाद मुझे फ़ोन आया. तो जब सिविल में गया मैं, सिविल में जाने के बाद देखा तो गया था उसका इंतकाल हो चुका था. क्या आप क्या कर सकते हैं अल्लाह की मुझे कह के. फिर हमारे गली के मेंबर राजू इंडिकेटर साहब उन्होंने भी बहुत हमारे को मदद करे. और इधर पार्टी के लोग भी हमारे बहुत मदद करे, सहायता करे. और सब हर एक इंसान हमारे गली के हिसाब से मदद करे हमारे को. और मैं भी एक अपाय 70-50% अपाय हूँ. मेरा लड़का सब कुछ करता रहता वो था. मैं अपाय जाने से वो मेरे को काम पे भी जाने को बोलता था. एक हाथ से अपाय जाऊँगा. अभी मेरा लड़का पूरा सब कुछ घर बार लेके चलता था मेरे को. मैं घर में पूरा घर बार चलाने वाला वो जाता. और हमारे को सब कुछ मदद करने वाला वो था. सबका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ तहे दिल से. बहुत मदद करे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कुछ रोज पहले हमारे भतीजे का गौस रफीक नदाब इनका एक्सीडेंट हुआ था. तो मैं मेरे को फ़ोन आया ऐसा ऐसा. मैं गया सिविल में. सिविल में जाकर देखा तो फिर वहाँ गए थे. फिर बहुत भीड़ जमा हुई थी. फिर उतने में मोइन भाई हमारे आए.
मोइन नदाफ, इन्होंने ताबड़तोड़ फिर फोन लगाकर रियाज सेठ को बुला लिए। तो हमारा जो भी काम था ना, रियाज सेठ बहुत बेहतरीन काम करे और कुछ से और बहुत से लोग आए, उन्होंने बेहतरीन काम करे, उनका कहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हमारे रियाज सेठ को कभी भी हन दे, हर इसमें इलेक्शन में निवड़ को आन दे। हमारे चाहत है कि उन्होंने हर चीज़ को हमने बहुत मदद करे। अल्लाह मैं तो बोलता उनको बहुत कहे रहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे लोगों का भी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफीक अयूब नदाब, जो नई जिंदगी में आमन चौक के आगे एक्सीडेंट हुआ, मोइन पान चौक के सामने। वो मेरा बड़ा साला था, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी है, पूरा घर संभालता था वो, हर चीज़ करता था। मेरे ससुरे का एक हाथ पैरलिक से मरेला है, उनको कुछ काम करने नहीं आता, सब घर मेरे साले के इस पर चलता था। और हमारे जो रियाज भाई उंडेगरी है, उन्होंने भी बहुत मदद की, जितने भी नगर सेवक आए सब ने सब जन मदद की है, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।